भाई मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आपको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, और दोस्त का मतलब जानते हो है, आपके लिए सब कुछ करता हूँ मैं एक दोस्त की खातिर। तो यार, दोस्त मानते हो तो मेरी बात का विश्वास करो। आप यदि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हो तो आपको कोई फेल करने वाला अभी तक तो पैदा है नहीं। जब तक मैं उसे बता रहा हूँ, जो मैंने कह दिया वो क्वेश्चन याद कर लेना। कभी भी 2022 का देते हो, 23 का एग्जाम देते हो, 24 का, 25 का, जब भी आप, समझ रहे मेरी बात को। फिलहाल आप इस बार में पास हो जाएंगे, लेकिन जैसे और भी तैयारी करेंगे, कोई OMS करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, कोई UPS की करेगा, PCS की तैयारी करेगा, अलग अलग में सब लोग लग जाएंगे। और अभी करते होंगे बहुत सारे छात्र, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि करते हैं यार इतने, ये करने के बाद ही करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ बोल दूं कि आपको मैं 95% दिलाने वाला हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? मजाक तो नहीं लग रहा है ना यार? मजाक मत करो, यहाँ मजाक करने की बात नहीं है। पेपर हैकर कभी मजाक नहीं करता किसी के साथ में। टॉप करने की बात कर रहा हूँ यहाँ आपसे, तो टॉप कैसे करोगे यार? सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी, तो आपको टॉप बनना है ना, तो आपको पेपर हैकर को तो पहले भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, भरोसा सबसे बड़ी चीज है। भगवान राम की दुआ, मैं कृपा से बोल रहा हूँ कि मतलब उनपे जो भी दया है मेरे ऊपर, जो भी बहुत बड़ी बात है, कि वो देखिए जो भी है गॉड है यार, क्योंकि भगवान ने जो लिख दिया किस्मत में, जो कहता है ना, जो किस्मत में लिख जाता है होना वही है। वैसे आपकी जो भगवान ने जो लिख रखा है वही होना है लाइफ में। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो रास्ता सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं आपसे वादा करता हूं यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। आज जो बता रहा हूं, आप अपने फटाफट, इतना टाइम हो गया, मैं आपको बोल रहा हूं कि अपनी बुक को ओपन करिए। जो भी आपसे तैयारी कर रहे हैं, नोट्स हैं, गैस पेपर है, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। सेकंड पेपर को खोल लीजिए बॉटनी के, फर्स्ट पेपर को मैं अपलोड कर रखा हूँ पहले ही, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सबके अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। बीएससी सेकंड थर्ड 2021 में आने वाले क्वेश्चन पर टच करोगे, और नीचे जाके आप सारे वीडियो देख लेना। अब देखो यार, देखिए वो तो मैंने डिस्कस कर दिया, थोड़ा समझने के लिए, जो छात्र थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं ना इस चीज से। देखिए, अपने दोस्तों को जरूर बता देना यार, वो वंचित ना रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से। वो रह गए ना तो आप, वो आप तो निकल जाओगे अगले, लेकिन आपका दोस्त पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र अपने दोस्तों को साथ लेके चलेंगे, जैसे कि मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आप मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको, देखिए कोई भी मेरे पास फोन आता है सबको दोस्त ही कहता हूँ। मेरे दोस्त, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलता यार, मेरी आदत नहीं है। आप मुझसे छोटे हो बड़े हो मुझसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब लोग मेरे दोस्त हो। आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। बेशक जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो, मैं ये भी नहीं कहता कि कॉल मत करो मेरे पास, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, चलो उस बात को खत्म करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताया करो, हो सकता है मैं उसके सलूशन बता सकूं। अब देखिए, यहां देखिए, हम पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, उसकी संरचना के बारे में पूछ लेता है। डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, आपसे पूछेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये सिद्ध करके दिखाओ, प्रूफ करो भाई, बताओ कैसे प्रूफ करोगे आप, बताओ, इसको आपको करना है। जेनेटिक कोड क्या होता है बताइए। जेनेटिक कोड, पांच कोड आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, तो पांचों कोडों को याद कर लीजिएगा। जेनेटिक कोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम अनुवंशिक कोड कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलो उस बात को छोड़ो। प्रोटीन, आप देखिए प्रोटीन के बारे में आप याद करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, जीवाणु की कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है बताओ। जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, बैक्टीरियल सेल होती है, उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, ये आपको देखना है। उसके बाद में आता है विटामिन्स के बारे में, आप सारे याद करेंगे, विटामिन बी, ए, बी, सी, डी, ई, एच, जो भी है सारे देखेंगे के तक। उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोटीन का संश्लेषण, देखिए मैंने ऊपर जो बताया था प्रोटीन का संश्लेषण, वही आ गया प्रकार वर्गीकरण, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रोटीन के बारे में पूछ लेगा आपसे। देखिए, मैंने आपसे कहा था वाटसन और क्रिक द्वारा एक डीएनए डबल हेक्सल मॉडल दिया गया था डीएनए का, उसको आप देख लेना है, उसको आपको देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल हेक्सल मॉडल दिया गया था, रिकमेंडेड डीएनए क्लॉकलाइन वो अलग चीज है। यहां देखिए बात करने वालों एंजाइम, उसके बाद एंजाइम को भी पढ़ेंगे यार, ये तो यार हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे बताओ। उसके बाद में देखिए ताला चाबी सिद्धांत, ये एंजाइम के अंदर ही आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ताला चाबी सिद्धांत क्या है, प्रेथफिट सिद्धांत क्या है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैविक प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में डीएनए आरएनए में अंतर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। गिब्स की मुक्त ऊर्जा की अवधारणा को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, एब्सेक्टली मतलब कि पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और ये बहुत ज्यादा है जो आपके यहां से बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें 95% लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स्ट्रा आपसे पूछेगा क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा। कोई भी क्वेश्चन आपको जो दिल में आए वो कर देना है, मतलब ये को आपको, देखिए पेपर को आपको इंतजार होना चाहिए, आपको पेपर का इंतजार नहीं होना चाहिए, पेपर को आपको इंतजार होगा कि भाई बुक कब आएगा, ये कब आएगा, कब करके जाएगा मुझे, वो समझ लीजिए।
अपने साथ कब लेके जाएगा मुझे। हाँ तो ये कर दीजिए, समझ रहे हो। और कॉपी चेक करने वाला भी कहे कि वाह इस बंदे ने क्या लिखा है। अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन के बारे में पढ़ लीजिए, गजब तरीके से आपको पढ़ के जाएंगे। एटीपी के बारे में याद कर लेंगे, डीएनए देखिए, आरएनए हमने आरएनए डीएनए में जब अंतर आपको बताया था, आरएनए की संरचना अलग से देख लीजिएगा, जिसमें टीआरए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जैसे मैसेंजर और एमआरएनए जैसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। बायो फर्टिलाइजर के बारे में आपको याद कर लेना है, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। क्रो देखिए, को एंजाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, को एंजाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, इसको आप याद करिए। हाउस कीपिंग जीन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप याद करिएगा, इसको याद करिएगा। रिकम्बोनेट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको आप पढ़ेंगे, और साथ ही साथ देखिए ऊतक संवर्धन आप जानते हैं जिसे कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट टिश्यू कल्चर को आप याद करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे प्रोटोप्लाज्म जो कल्चर पूछा जाता है जिसे हम जीव द्रव्य संवर्धन बोलते हैं, इसको आप याद करिएगा। संवर्धन कई टाइप को देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो देखने को मिलते हैं वो देखिए, ये आपको प्लांट टिश्यू कल्चर देखने को मिलेगा, या फिर ओवरी कल्चर भी मिल सकता है, या फिर एम्ब्रियो कल्चर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो वो चीज आप बना के लेके आएंगे। एनिमल्स हार्मोन्स के बारे में कोई आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद में आता है ऊष्मीय गतिकी का द्वितीय नियम, इसको आप देख लीजिएगा यदि आपके बुक नोट्स में है तो, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। उसके बाद में आपका आ जाता है देखिए विभाजित जीन, जिसे कहते हैं विभाजित जीन को जानते हो, जिसे कहते हैं स्प्लिट जीन बोला जाता है, तो स्प्लिट जीन को भी आप याद कर लीजिएगा, विभाजित जीन से बोलते हैं। इसके बाद में हम टैडपोल और गाजर इसको छोड़ देंगे, और चार्जर का नियम भी छोड़ देंगे। एंजाइम, एंजाइम की देखिए एंजाइम की गतिविधियों के बारे में आप देख लेंगे, एंजाइम की गतिविधियां मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, एंजाइम की गतिविधियां। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइट में अंतर भी पूछ लेता है, मतलब कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ और भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स के महत्व क्या होते हैं, और यूक्लियोसाइड पॉलीसेक्राइड को पढ़ लेना, पॉक्रीसाइड के महत्व, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, इतना पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ज्यादा में ज्यादा आपके ये 17 से 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं है। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 95% टॉपर बनेंगे, कोई देखता हूं कौन फेल करने वाला, इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर मिल जाए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।